What's up everyone, welcome back to the channel। और आप लोग finally अब class 11th में आ चुके हो और आप लोगों ने मुझे पूरी उम्मीद है कि accountancy और business studies का syllabus breakdown देख लिया हो। अगर नहीं देखा है यार तो जाओ playlist में जल्दी से। नया इसी session का हम new playlist बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने already discuss कर लिया accountancy और business studies का syllabus। तो आज मैं discuss करने वाला हूँ आपके साथ economics का syllabus breakdown। Economics as a subject कैसा है, क्या आप पढ़ने वाले हो। ऑल्दो आप लोग पहले इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो 9th-10th में, बट दैट इकोनॉमिक्स वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होता गया है वो तुम लोग अब पढ़ोगे। अभी तक तो तुम्हारा वही चल रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बस वहीं घूम रहे थे तुम लोग अभी तक। इकोनॉमिक्स में आपको अभी तक जो एक्चुअल कंटेंट है वो पढ़ाया ही नहीं जाता। 11th में आके आपका एक कंप्लीटली डिफरेंट जर्नी शुरू होता है और यहां से इकोनॉमिक्स आपका एज अ करियर प्रोस्पेक्ट आगे एक नया ट्रेंड बनता है। तो इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं और आज देखने वाले हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइज इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर आप यूपीएससी की तरफ जाते हो या अगर आप लोग फर्दर ग्रेजुएशंस में देखते हो तो वहां पे भी इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ एक कंट्री के लिए एक इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं आपको जितना मुझे ज्ञान है, यार मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरे पास बहुत ज्ञान है या बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। हमारे देश में इंडिया में बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल्दो मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, कई बच्चे 100 और 100 लेके आए हैं इकोनॉमिक्स में, बट मैं ये चाहता हूं कि इस साल जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े यूट्यूब पे पढ़ाई करें वो सभी बच्चे 100 में से 100 नंबर पूरे लेके आए। उसके लिए आपको सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है और सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस को जानना। तो आज सिलेबस को जानते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखो इकोनॉमिक्स का अगर सिलेबस ब्रेकडाउन करें तो आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है, कंप्लीटली पेपर 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स, और प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, जो कि आपको स्कूल से ही फाइल मिलती है, टॉपिक मिलता है, वो बनाना होता है और उस पर 20 नंबर तुम्हारे स्कूल से मिलते हैं, मतलब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जितना अच्छा बनाओगे, जितना अच्छा वाइवा दोगे, ओरल एग्जाम दोगे, उतने अच्छे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। बट ये तुम लोग खुद लिख रहे हो, दीज 80 मार्क्स आर इन कंप्लीटली योर हैंड्स, ये तुम लोग खुद लिख रहे हो। जितना अच्छा लिखोगे उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हमें किस आंसर का किस किस तरीके से चीजें प्रेजेंट करनी है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर करना है, वो सब मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताऊंगा। फिलहाल आज जान लो सिलेबस क्या है। देखो आपको इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब आपको क्लास 11th में एक तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है और एक पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक एक छोटा कॉन्सेप्ट। वैसे भी तुमने पढ़ा होगा ना माइक्रो मैक्रो, माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। तो माइक्रो का मतलब वही, हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं 11th में अभी भी, और 12th में तुम पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स। तो यहां माइक्रो पढ़नी है। ये माइक्रो आपका 40 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स का होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा जिसमें तुमने मीन मीडियन मोड वगैरह करे थे ना, बट अब आपका नजरिया बदलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को एक अलग ही तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से स्टैट्स हमारे काम आता है, कैसे वो एक नेशन में हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में, कैसे डेटा को यूज करा जाता है, ये सब मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो देखो यार सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 यूनिट है स्टैट्स में, यूनिट 1st, 2nd और 3rd। पहला यूनिट होता है इंट्रोडक्शन, यानी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, वही स्टैट्स क्या है, उसका क्या नेचर होता है, क्या यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस है, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक की ज्यादा बातें करूंगा जब पढ़ाऊंगा। यूनिट 2nd में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली डेटा कैसे कलेक्ट होता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करा जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट करा जाता है। ये एक बहुत अच्छा यूनिट है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम स्टैटिस्टिकल टूल्स पे एंड इंटरप्रिटेशन पे। ये तुम्हारा कंप्लीटली प्रैक्टिकल यूनिट है,
प्रैक्टिकल का मतलब आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वही मीन के, मीडियन के, मोड के, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ोगे जैसे इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशंस, आप ये कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, डिस्पर्जन पढ़ने वाले हो यहाँ पे तुम लोग, और ये बहुत हेल्प करता है अगर आपको इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है। तुमने सोचा ही है कि यार मुझे इको में ही करियर बनाना है, तो वो तुम्हारी यहाँ पे मदद करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो स्टैटिस्टिक्स एक मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको ग्राफ्स भी बनवाए जाएंगे, बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, सुना है ना, नहीं सुना तो चिंता मत करो, सब पढ़ेंगे, और साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराया जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है इस सब्जेक्ट का। अब चलते हैं इस पर्सपेक्टिव पे। ये है हमारे पास बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल थिंग है जो हम आसपास देखते हैं। अब तुम्हारे आसपास, तुमने बोला कि सर आपकी वीडियो देखनी है, मेरी वीडियो की तो भाई बहुत डिमांड है, तो कितनी डिमांड, और मैं कितनी वीडियोस दे रहा हूँ, कितनी सप्लाई। बाहर भी तो ऐसा होता है, क्या डिमांड सप्लाई चल रहा है, किस चीज़ का कितना प्राइस चल रहा है, कौन सी चीज़ कितने में हमें मिल जाएगी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एक सप्लायर सप्लाई कर पा रहा है, तो ये सब चीज़ें माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे आप लोग यहाँ पढ़ने वाले हो। तो जब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे चार यूनिट्स में। सबसे पहला यूनिट इंट्रोडक्शन, जो कि एक बेसिक सब्जेक्ट के बारे में, वही भाई नए नए आए हो तुम कॉमर्स में, नर्सरी में आ गए तुम लोग, तो इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक कंज्यूमर को कैसे इक्विलिब्रियम मिलता है और डिमांड क्या है। कंज्यूमर तो तुम लोग जानते हो, हम सब कंज्यूमर्स हैं कहीं ना कहीं, इक्विलिब्रियम बाद में बताऊंगा यार, अब यहाँ थोड़ी ना बताना है। डिमांड क्या है कि आप मार्केट में कितना डिमांड करते हो। उसके बाद एक प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है मार्केट में, गाली गुली देता है नहीं देता है। जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करता है, कितना खर्चा आता है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। सप्लाई, सप्लाई कितना कितना होता है, कैसे कैसे होता है। उसके बाद कितने टाइप ऑफ मार्केट्स हमें देखने को मिलती है हमारी इकोनॉमी में, और प्राइस कैसे सेट होता है किसी भी चीज़ का। अगर ये पेन है तो ये पेन 100 रुपीज़ का ही क्यों भाई, या 200 रुपये का ही क्यों भाई, इसका प्राइस सेट कैसे हुआ। तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, मज़ा आता है अगर इंटरेस्टिंगली पढ़ा जाए। तुम लोग इसको बिल्कुल भी बोरिंग मत बनाना, क्योंकि अभी नए नए आए हो यार, अभी से अगर बोरिंग बना लोगे तो मज़ा गया है। और अगर बोरिंग लगता है तो बोरिंग को स्कोरिंग तो मैं बना के रहूँगा भाई। देखो तो हमारे पास क्लास 11th में बच्चों ये एक इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो तुम लोग को पता होना चाहिए। सर किताबें कौन कौन सी लेनी है, देखो यार तुम किताब कोई भी लो, मैं तुम लोग को अपने ही नोट से पढ़ाऊंगा, तुम्हारे सामने बोर्ड पे नोट्स होंगे, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना। मैं ये चाहता हूँ बस आप एक कॉपी बनाओ और मैं जितने भी नोट्स दूंगा अच्छे से उनको लिखो और एग्जामिनेशन में बढ़िया करके आओ, तो हम लोग प्रॉपरली सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे और 100 on 100 ले पाएंगे। तो जितने भी मेरे बच्चे 11th में आज आए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। देखो मेरा काम तो पढ़ाना होता है, तुम लोग का काम है फर्दर वीडियोस को स्प्रेड करना, आगे पहुंचाना अपने दोस्तों तक, रिलेटिव तक, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन बना रहे, और लाइक कर दिया करो यार, इट शोज कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ठीक है फिर, ये था हमारा सिलेबस ब्रेकडाउन, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। अगली वीडियो में हम लोग चालू करेंगे बिल्कुल सीधा कॉन्टेंट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और देखेंगे हम लोग को क्या क्या कितना कितना पढ़ना है इन फर्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद कंटेंट और फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।